वसीला बना ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। जिथे होवे हसन लियावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे हसन लियावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे कसूर ओथे माफी सदा ऐ खुदा। जिथे गलती होवे लियावा मैं रास्ती, जिथे गलती होवे लियावा मैं रास्ती, जिथे झगड़ा होवे लियावा ओथे सुला ऐ खुदा। जिथे शक होवे ओथे ले आवां ईमान, जिथे शक होवे ओथे ले आवां ईमान, जिथे होवे मायूसी उम्मीद है खुदा ऐ खुदा। जिथे गम होवे ओथे तसल्ली बना, जिथे गम होवे ओथे तसल्ली बना, जिथे होवे हनेरा मैं तेरी जया ऐ खुदा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आले।
जीवन बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बैठे रूह पाक ते ना उठे। आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे। प्रभु अते पेरो, अज तो एक महान ईद महान दिन है अपने पैरिश दे लई, क्योंकि अज तुसी अपने पैरिश दे सरप्रस्त ईद संत जुआन वियाने ईद मनाउंदे हो। और इस शुभ दिन तो मौके तो असी अपने पैरिश दे लई 25 मेंबर इस्तकलाल दा सक्रमेंट लेने वाले है। इस उम्मीदवार दे लिए असी इस पाकमा स्पीच शुभ पाका स्पीच खास प्रार्थना करिए। इना पवित्र पेरानू योगदंग नाल मनाउन लिए असी अपने गुनाह कबूल करिए।
कुदत्वा लाकुदा अथे साढ़े उते दया करो अथे साढ़े गुनाह नु माफ करके सानु सदीवी जीवन तक पहुंचावे आमीन। ए प्रभु दया करो प्रार्थना करिए। हे पूरी कुदरत वाले अत मेहरबान खुदा, संत योहन्ना व्याने विच तू सानू एक महान पुरोहित दा
अनमोल तोहफा दीता है, जो अपने लोका दी सेवा लई पूरी तरह मखसूस किता गया सी। उसकी सिफारिश अते नमूने रही, बख्श देखी असी भी मसीह लई अपने पेन प्रभा नू जितन वास्ते अपना जीवन सौंप देइए, अते इना नाल ना मुकट वाली खुशी दा आनंद मनाइए। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही जो तेरे नाल रूपाक देखता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीक। आमीन। आज दा पाठ कीर्ति दी पुस्तक ओदा 13 बाब 1 ते 2 है, ओदी बच्ची है, अते 14 बाब ओदी 1 है, 26 तो 29 अते 34 अते 35 है। यहोवा मूसा नाल बोलिया, तू मनुख कल के ओ कनान देश की खोज कटना जेड़ा मैं इसराइलिया नू दिंदा हाँ, उन्हां दे प्यो दादियां दियां गोतां तो एक एक मनुख जेड़ा उन्हां विच प्रधान होवे तुसी करो, तां ओ उस देश दा खोज कट के 40 दिनां पिछों मुड़े ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਉਸ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁੜਬੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ, 40 ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 1 ਦਿਨ 1 ਵਰੇ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ 40 ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਾਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਸਜ
रसूलों के करताब दो बाब एक है तो तेरा आयता। जो पेंतेकोस्त का दिन आया तो सारे रसूल एक ही थान इकट्ठे सन। अचानक शां करती एक आवाज़ जोरदार हनेरी जही आकाशों आई अते उस दे नाल सारा घर भर गया जिथे वह बैठे हुए सन। लाटां अग दियां जीबां वांग दिखाई दित्तियां अते वख वख हो के उतरियां अते एक एक करके उन्हां सारिआं उत्ते ठहर गईआं अते उह सब रूह पाक नाल भर गए अते वख वख बोलियां बोलन लगे जिवें रूह ने उन्हां नूं बोलन दी योगता दिती। उस समय आकाश के थले वसदियां सब कौमां विचों यहूदी श्रद्धालु यरूशलम विच रह रहे सन। उस आवाज़ नूं सुन के लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो गई अते ओ लोग हके बके सन क्योंकि हर कोई आपो अपनी माँ बोली विच उन्हां नूं बोलदे सुनदा सी। फिर साडे विचों हर एक अपने अपने वतन की जद्दी भाषा किस तरह सुन रहा है। भारती मेदी एलामी मैसोपोटामिया के वासी यहूदिया कपादुकिया पतूस एशिया के निवासी फ्रिजिया पंफिलिया मिसर अते कुरीन दे लागे दे खेतर लबीजा दे निवासी रोम तो आए यहूदी नवे दिखक मुसफार क्रीत अते अरब दे निवासी असी सारे अपनी अपनी भाषा विच उन्हां नूं खुदा दे महान कम्मां दा बयान करदे सुन रहे हाँ। सारे लोग हैरान हो के उलझन विच पए सन अते ओ एक दूजे नूं कह रहे सन इह की मामला है। पर दूजे लोकां ने ठट्ठा करदे कहा इह तां ताजी अंगूरी मैं दे नशे विच हन। इह प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। हालेलुया 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 Hallelujah.
प्रभु तुवाड़े नाल होवे अदे तुवाड़ी रूह नाल भी होवे पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार तेरी वड़ियाई होवे ऐ प्रभु प्रभु येसु ने कहा सुनो मैं तुहानु पेड़ां दे रूह विच पाड़न वाले बगेड़ियां विच कल रहा हां इसलिए तुहाडे लई सप्प दी तरह चलाक अदे कबूतर दी तरह पोला रहना जरूरी है चौकस रहना लोगी तुहानु फड़नगे अदे सभा विच ले जाणगे वो तुहानू अपने प्रार्थना घरां विच कौड़े मारनगे तुहानू राजपाल अदे राजयां दे सामने मेरे नां दी खातर पेश कीता जावेगा ये तुहाडे लई उहनां दे अदे पराईयां कौमां दे सामने मेरे बारे गवाही देण लई होवेगा इसलिए जदों वो तुहानू पेश करन तुसी फिकर ना करना कि तुसी की करोगे अदे किस तरह हम बोलोगे इस बारे तुहानू उसे घड़ी दस दिता जावेगा कि तुसी की कहना है क्योंकि जो शब्द तुसी उस समय बोलोगे वो तुहाडा नहीं होणगे वो तुहाडे पिता दे आत्मा दे होणगे जो तुहाडे राही बोल रहा होवेगा प्रभु दी अंजील तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा जो शब्द तुसी उस समय बोलोगे वो तुहाडा नहीं होणगे वो तुहाडे पिता दे आत्मा दे होणगे जो तुहाडे राही बोल रहा होवेगा प्रभु में इस मसीह विच मेरे प्यारे भराओ तो भैणो सब तो पहले सारे आनु साडे इस पैरिश दा स्वर्गीय सरप्रस्त संत जॉन वियानी दा त्योहार दी लक लक वधाइयां तालियां बजा के असी खुदा दा शुक्रगुजारी करे धन्यवाद करे और आज दे दिन सानू ये खुशी भी है कि साडे पैरिश दे नौजवानां दे विचों 32 लोग पाक इस्तकलाल दा साक्रमेंट ग्रहण करके प्रभु दा शिपाहीयां दे विच दाखल हो रहे प्रभु लई जंग दे मैदान दे विच उतर रहे ने एक बार दी गल है एक बुजुर्ग पुरोहित एक पिंड दे विचों नंग रही सी उन्हें वेखिया कि एक बच्चा अपने घर दे वेड़े विच एक गेंद नाल खेड़ रही सी उस फादर जी ने उस बच्चे नूं पूछा बेटा तुसी की कर रहे हो बच्चे ने जवाब दिता फादर जी मैं गेंद खेड़ रहा हूं और मेरे नाल खुदा भी गेंद खेड़ रहे ने जदों मैं गेंद ऊपर सुटदा तां खुदा उत्थों थले नूं सुटदा असां मिलके गेंद खेड़ रहे ने फादर जी उस बच्चे दा जवाब नूं सुन के आप एक गल नूं महसूस कीता कि सचमुच हर एक विश्वासी दा जिंदगी एक अजिहा खेड़ है जो अपने आप नूं पूर्ण तौर ते प्रभु दे हत्थां विच सौंपदे ने प्रभु छप्पड़ फाड़ के ओदे लई आशीषां अदे कृपावां वरांदा असीं थल्लों प्रभु वल आवाज उठांदे हां और प्रभु सानू कृपा अदे आशीष प्रदान करदा आज दे पहला पाठ दे विच असी
उस गणने नु सुनिया जदों इसराइली को मिश्र देश दे गुलामी दे विच आजाद होके वायदा किया गया कना देश बल जा रहे सन और अपने आप नू उस वायदा किया गया पवित्र धरती दे विच दाखल होने लई पूरा तैयारी दे विच सन उदे लई उस समय दा उस थां दा पूरा जानकारी प्राप्त करने लई इसराइल कौम के बारह कुलां विचों एक एक ने चुन के नियुक्त करते ने जाके पता करो उस इलाके का माहौल का बारे पता करो ताकि असी उस हिसाब नाल अपने आप को तैयार कर सकता। शायद मूसा की अगुवाई हेठ इसराइलियां दे बजुर्गों ने एक गलत फैसला किया। उन्होंने ये नहीं सोचिया कि रब उन्होंने अगे अगे जा रहे ने और उन्होंने जंग के मैदान के भी वो उतर रहे ने प्रभु शायद उन्होंने कुछ नहीं होया उन्होंने विश्वास का कमी उत्ते महसूस होया। मूसा ले भी अपने विश्वास में परख वेखण ले वो एक मौका से अज का दूसरा पाठ दे विच असी वो गणना सुनिया पेंतेकोस्त त्यौहार वाले दिन जरूसलम दे विच की वापरिया बारह चेले कुमारी मरियम दे नाल उस चुबारे दे विच इकट्ठे सन प्रार्थना दे विच लीन सन जदों प्रभु यीशु मसीह दे वायदे दे मुताबक पवित्र आत्मा उन्हां उत्ते उतरिया अग दे लाठां दे रूप विच उन्हां दे उत्ते उतर के उन्होंने कृपा दिता फजलाम भरिया। अज साडे लई साडे पैरिश दे सरप्रस्त दा त्यौहार दे दिन इन्हां नौजवानां लई फजलाम दा बारिश होना है। सानू पता प्रभु यीशु मसीह जरदान दरिया दे विच यूना कोलों बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह जदों यूना कोलों बपतिस्मा लिया प्रभु दे पवित्र आत्मा कबूतर दे रूप विच उतरिया पवित्र आत्मा कबूतर दे रूप विच उतर के प्रभु यीशु मसीह नूं बोलापन दा वरदान दिता ताकि जो दुखदाई घटनावां वो सामना करना है उदले अपने आप नूं बोला बनावे सहन करन लई दिलेरी बख्शे। वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह नू उस कालवरी पहाड़ तक ले गया उस सलीब ते जान कुर्बानी करन लई भी हिम्मत दिता। बोलापन दी आत्मा प्रभु यीशु मसीह नू सलीबी मौत तक अगुवाई कीती। पर जिस आत्मा दे बारे आज दी अंजील दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरोकारा नु वायदा करदा वो आत्मा अग दे लाटां दे रूप विच उतरन वाला आत्मा है। बोलापन दी आत्मा नहीं दिलेरी दी आत्मा है। वो पवित्र आत्मा नु कबूल करन लई कई दिनां दे तैयारी दे बाद नौजवान इकट्ठे होए ने। साडा बुजुर्ग बिशप साहब जी जलंधरों चल के साडे दरमियान मौजूद भी है। वो आप ये चाहते ने कि इस इलाके दे विच एक नवीकरण होवे एक नवनीकरण होवे एक नवा जिंदगी इस इलाके दे विच शुरू होवे विश्वास का एक नवा लहर इस इलाके दे विच होवे। यूना यून व्यानी साडे अपने इस इलाके का सरप्रस्त है उदा जीवनी दे बारे मैं कुछ बोलन दी लोड़ नहीं बीते नौ दिनां विच तुसी उदे बारे बहुत कुछ सुन चुके ने। एको ही गल मैं तुहानू चेता कराउणा जिस दिन वो आरस पिंड दे विच पहुंचा पहुंचण तो पहले एक बच्चे नू पूछा बेटा मैनू आरस पिंड जाण दा राह दिखा
मैं तुहानू स्वर्ग दे विच जानदा राह विखावांगा। सचमुच संधि जोड़ भी आनी दे जीवनी दे विच एक अजिहा घटना बहुत समझन वाला सिख्या देंदा है। असा साड़ा सरप्रस्त दे नाल जुड़े है ता वो सानू सारियां नू प्रभु दे कर जानदा राह दिखावणगे। साड़े सरप्रस्त दे सरप्रस्ती हेठ जिंदगी गुजारन ले असी तैयार हो गया ता उदे रागी बहुत सारे आशीष दे कृपा असा प्राप्त कर सकते हाँ। आज सानू पता जदों मसा सारे पाक इस्तकलाल दा साक्रमेंट ग्रहण करके साड़ा विश्वास भरी जिंदगी नू मजबूत बनाउन लई तैयार होए हाँ। साडे विचों बहुत सारे उन्हों स्वीकार कर चुका भी है और पवित्र आत्मा सानू बापतिस्मा तो प्राप्त होया है। बापतिस्मा तो असा सारे मसा किया गया, पवित्र आत्मा नाल मसा किया गया, मसीह बनिया और सानू प्रभु यीशु मसीह का उस हुक्म नू पालना करन लई जिम्मेवार भी बनाया। जाओ संसार दे कोने कोने जाके हर एक नू खुशखबरी सुनाओ, जिहड़ा मनेगा उन्हां नू बाप बेटा दे रूप पाक दे नाते बपतिस्मा दो और जिहड़ी आ गल्लां मैं तुहानू सिखाया वो सिखाओ। ये सानू सारियां नू मिलिया हुक्म है, प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिता गया हुक्म है। स्वर्गारोहण तम पहले जदों प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन दे बाद 40 दिन क्वारंटाइन दे विच रहा, क्योंकि खुदा दे घर वड़न तों पहले वो 40 दिन अपने आप नूं अलग रखना सी, ना दुनिया दे नाल संबंध ना खुदा दे घर दे विच वड़न दा मंजूरी। 40 दिन क्वारंटाइन दे विच रह के प्रभु खुदा बाप दे सज्जे हाथ जाके विराजमान होया। उस समय उन्हें अपने चेलियां नू हुक्म दिता जाओ हर एक नू खुशखबरी सुनावो। पर वो घटना कलीसिया दा शुरुआत नहीं है, ना प्रभु यीशु मसीह यानी खुदा दा शब्द मांस बन के इस धरती ते जन्म लिया। एक कुमारी मरियम दे रागी बेदलहम दे एक आम कुरली दे विच जन्म लिया, वो भी साड़ा कलीसिया दा शुरुआत नहीं, ना बारे चेलियां नू खलन दा प्रजार लई खलन दा, वो भी साडे कलीसिया दा शुरुआत नहीं। कलीसिया दा शुरुआत पेंदकोस्ता दिन होया जिन्नू असी कलीसिया दा जन्मदिन मनते हाँ। कलीसिया दा जन्मदिन और कलीसिया दा शुरुआत पेंदकोस्ता त्योहार तो शुरू है, यानी पवित्र आत्मा दी अगुवाई हेठ विश्वास संगत विश्वास भरी जिंदगी जींदा और विश्वास भरी जिंदगी नू ऐलान भी करदा। अंजीलीकरण दा एजेंड सचमुच पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा दी अगुवाई हेठ वक वक मिशनरी अपने अपने इलाके दे विच सेवा दा काम करदा, प्रचार दा काम करदा और हरेक विश्वासी लई भी पवित्र आत्मा दा मौजूदगी उदे अपने जिंदगी दे विच दिलेरी नाल अंजील नू ऐलान करन लई कृपा मिलता आशीष मिलता। इस्तकलाल दा साक्रमेंट ग्रहण करन लई जिन्ने भी पैन भरा तैयारी होया तुहानू पता है कि पवित्र आत्मा तो असा सत फजल प्राप्त करते हाँ। सारे जानते ने केड़ा केड़ा है पवित्र आत्मा दा सत भजन, रूपाग दियां सत बख्शिशां केड़ा केड़ा है पता?
ना पवित्र आत्मा दियां सत्त बख्शिशां जिन्हें भी इस्तकलाल दा साक्रमेंट ग्रहण करने लई तैयार होया मेहरबानी करके ये गल दसो केड़ा केड़ा है सत्त बख्शिशां। ये सारे जानते ने नहीं जानता? ये तो जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा दे सत्त बख्शिशा बारे तुहानु पता होना चाहिए। तो रूपाक दा आत्मा तुहानु आज दे दिन सत्त बख्शिशा बख्शन वाले ने उन्ना सत्त बख्शिशा दे बाबत पवित्र बाइबल दे विच बहुत सारे जिक्र भी हुंदा। जिदा हिकमत समझ सलाह मजबूती इलम खुदा दा खौफ अदे दीनदारी इन्ना सत्त बख्शिशा हर एक विश्वासी प्राप्त करना चाहिए। और खास करके पेंतेकोस्त वाले दिन जो पवित्र आत्मा चेलिया नु बख्शिया सी वो हर एक पाक इस्तकलाल दा साक्रमेंट ग्रहण करते समा बिशप साहब जी दे राही पवित्र आत्मा हरेक नू बख्शते ने। जिदा यशायाह नबी दा ग्रंथ दा 11 बाब दी 2-3 दे विच क्या है प्रभु दा आत्मा उसनू समझ दे ज्ञान देवेगा उसनू राज करन लई बुद्धि दे बल देवेगा उसनू प्रभु दा ज्ञान दे डर देवेगा उसकी खुशी प्रभु दा डर मन दे विच ही होवेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा दे रहा सानू बख्शिशा मिलते ने जो साड़ा विश्वास भरी जिंदगी दे विच सानू मजबूत करता। एक एक बख्शिश दे बारे जदों तुसी विचार करोगे ये समझना चाहिए कि सब तो पहले हिकमत दा बख्शिश पवित्र आत्मा तो मसीह प्राप्त करता। हिकमत दा बख्शिश दे राही सानू सिरे सिरे ईमानदार बनाउंदा। अदे ईमानदार सिर्फ ईमानदार रहना नहीं ईमानदार रहना सिखाउना नाले ईमान दे बारे गवाही देना सिखाउंदा। ये संसार दे असली मतलब दे बारे भी सानू जानकारी दिंदा ताकि असी असली खुदाईयत नू पजान सकदा और साढ़े जिंदगी दे सफर दे विच उस हिकमत दे मुताबक जिंदगी गुजार सकदा। दूसरा बख्शिश है समझ। एक समझदार इंसान हमेशा सच्चे ज्ञान दी पाल करदा है। एक विश्वासी लई ये जरूरी है सच्चे ज्ञान दी पाल करे। बेशक इंसान अपनी बुद्धि द्वारा बहुत सारे जानकारी प्राप्त कर सकदा पर अपनी समझ द्वारा ही असी खुदा दे बारे और खुदाईयत दे बारे और साढ़े असली जिंदगी दे बारे असली कर दे बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बख्शिश है सलाह। सलाह सानू सारियां सही समय ते सही सलाह की जरूरत होंदे ने। सही समय ते सही सलाह की जरूरत जिदा अज की अंजील दे विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरोकारां नू दसिया तुसी डरो नहीं तुहानू सतावणगे मेरे कारण सताए जाणगे पर डरो नहीं तुहानू खुदा दी मर्जी नू समझन लई सलाह दित्ती जाएगी। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा नू सलाहकार बुलाउंदा मददगार बुलाउंदा और इस दुनिया नू विदा दे के जाण तों पहले अपने पैरोकारां नू दसिया मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं तुहाडे लई एक मददगार दे सकूं।
तुहाडे लई एक सलाहकार नू दे सकूं और वो सलाह देन वाला पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा तो मसीह सलाह दा बख्शिश प्राप्त करदे ने। 14 बख्शिश है मजबूती, मजबूती विश्वास दी खूबी है और मुश्किल विच मजबूती दी जरूरत हुंदा। जदों दुख तकलीफ आ जांदा, परेशानी आ जांदा, असी सच्चाई दे राह तो भजना नहीं सगों दलेरी नाल दे मजबूती नाल अग्गे वधण लई मजबूती दा फजल दी जरूरत है, वो बख्शिश दे जरूरत है। हरेक विश्वासी नू दलेरी नाल जंग दा मैदान दे विच उतरण लई और दलेरी नाल जंग दे विच भाग लेण लई पौलुस दा कहण दा मतलब मुताबक विश्वास दा कवच पकड़ के जंग दा मैदान दे विच उतरण लई ओ सानू मजबूती प्रदान करदा। पंजवां बख्शिश है इलम, ये है अज्ञान दा नू दूर करण वाला बख्शिश है। कई बार साढ़े विश्वास भरी जिंदगी नू असी आप जानते नहीं, असी आप नेरे दे विच रहिंदा, सच्चाई दी रोशनी सानू देण वाला बख्शिश है इलम। इलम दे राही असां खुदा दे बारे ज्ञान प्राप्त करदा और खुदा दे बारे कलीसिया दी या सिक्ख्यावान दे बारे और साढ़े अपने असली घर दे बारे असली जिंदगी दे बारे जानकारी प्राप्त कर सकदा। सेवा बख्शिश है खुदा दा खौफ, खुदा दा खौफ, खुदा दा खौफ डर है। एक अजिहा डर है जिते असी खुदा नू आदर करदा, वो आदर नाल असी खुदा नू डरदा। ये एक खूबी है जो सिर्फ सच्चे दे खुदा दे ईमानदारां विच ही पालिया जांदा है। खुदा दा खौफ सिर्फ उन्ना लोकां दे विच दिखाई दिंदा जिन्ना विश्वासी है, जिन्ना नेक है, जिन्ना दीन है, जिन्ना ईमानदार है, उन्हां दे विच खुदा दा खौफ पजाणदा। बाकी आखदे ने उन्हां शायद कोई डर दे कारण, शैतानी डर दे कारण पूजा पाठ करदा, गिरजा कर भी जांदा रहिंदा होगा, पर खुदा दा खौफ नाल नहीं, पवित्र आत्मा दे राही जो खुदा दा खौफ दा बख्शिश ग्रहण करन वाला एक विश्वासी वो डर नाल पवित्र चीजां वल थकणगे। विशेष तौर ते पाक शराकत वल थकण तो पहले एक बार अपने आप नू पूछेगा सचमुच मैं लायकी नाल प्रभु दा वदन स्वीकार करन लई जा रहे ने, क्योंकि और खुदा दा डर नाल भरपूर है। उन्हों ये भी पता पवित्र चीजां दा नियादरी दा गुणा करण तो मैं रहना जरूरी है, क्योंकि अयोग्यता दे विच जदों मसीह पाक शराकत नू ग्रहण करता, पवित्र चीजां नू ग्रहण करता, वो सानू पाप दे विच डूबदा, क्योंकि पवित्र चीजां दा नियादरी दा गुणा करता। वो डर सानू बुजुर्गों आदर करन लई, माँ बाप दे इज्जत मान करन लई, खुदा दा नाम जपन लई हिम्मत दिंदा, आशीष दिंदा। और सतवीं भजल है या बख्शिश है दीनदारी, एक खूबी है जो श्रद्धालुआं दे विच पाई जांदी है। ये ईमानदारां दा अंदरूनी गुण है जो दीनदारी आदमी नू विचारशील बनाउंदा है। खुदा हरेक विच उस दीनदारी दे गुण लाउंदे ने, दीनदा दा नेकी दा विनय दा वो गुण उन्हां लोगां विच पजाणिया जांदा जिन्हां खुदा प्रस्त है, जिन्हां खुदा दे खौफ नाल भरिया है। पवित्र आत्मा दे वरदानां दे जरिए असी इन्हां सतगुणा नू, सत फजलां नू, सत बख्शिशां नू हासिल कर सकदा।
अरे मेरे प्यारे भाव तो भेनो, अज जदों बिशप साहब जी तुहाडे उत्ते हथ ला के या फादर साहिबान तुहाडे उत्ते हथ ला के प्रार्थना करेगा या उदे बाद बिशप साहब जी तुहानू मखसूस करके पवित्र आत्मा लैण लई हुक्म देगा और तुहाडे ते चपेट मारेगा और तुहानू ये दसेगा कि तुसा सचमुच उस पवित्र आत्मा दी बख्शिशां प्रभुर होया। इसलिए दिलेर हो जाओ, ईमानदार विश्वासी जंग दे मैदान दे विच उतरन लई लायक हो जाओ। तुहाडा जिंदगी आज जिदा मैंने शुरुआत दे विच दसिया, वो बच्चा जिहड़ा गेंद खेडदे सन वो महसूस करदा सी कि खुदा उत्तों मेरे नाल खेडदा, उसी तरह तुसी भी अपने आप नूं लायकी नाल ये साक्रमेंट ग्रहण करन लई तैयार करो। दिल नूं खोल के खुले दिल नाल प्रभु दे मौजूदगी दे विच आओ, प्रभु दा कृपा आशीष पवित्र आत्मा दे वरदान अदे उदी आम बख्शिशां चप्पड़ फाड़ के तुहाडे उत्ते आ वसणगे, ताकि तुसां सारे उन्हां गुणा नाल भरपूर हो जाणगे, विश्वास दे विच दिलेर होणगे और इस दुनिया दे विच संघर्ष करन वाले कलीसिया दे अगुवाई करन लई भी कामयाब होणगे। जिदां जॉन बियानी ने आरस पैरिश दे विश्वास संगत नूं विश्वास दे विच मजबूत किया, उसी तरह आज दे दिन उदा त्यौहार वाले दिन तुआड़िया तैयारियां एक सिट्टे ते पहुंचे, प्रभु दे कृपा हासिल करके खुशी मनाइए। आज ते पास किस तकलाल दा साक्रमेंट अदे पाक शराकत नु ग्रहण करन वाले ये गल नु महसूस करे कि मेरे जिंदगी दे विच एक नवा जिंदगी शुरू करन दा मौका है, क्योंकि आज तो सिर्फ बौलापन दी आत्मा नहीं अग नाल मैं प्रिया होया है। इग्नेशियस संत इग्नेशियस लेओला ने कहा, जाओ दुनिया पर दे विच ओ अग नु लाओ, अंजीली दा खुशखबरी नु फैलाओ, वो साडे लई चुनौती है। मैं तुहानू सारिआं नू विशेष तौर ते जिन्ने भी साक्रमेंट ग्रहण करन लई तैयार होया शुभकामनावां दिंदा हाँ। प्रभु तुहानू सारिआं नू आशीष दे अदे बरकत दे, आमीन। इस्तकलाल लाने लेने वाले उम्मीदवारों, मैं तुहानू पुछदा हाँ कि तुसी शैतान नू उसके सारे कमां नू अते उसके सब झूठे ते बेकार वायदिआं नू चेड़ देंदे हो। बिशप साहब जी ने तुहानू पुछिआ कि तुसी सारे शैतान नू छड़ देंदे हो, नहीं अजे नहीं, पूरा सारे उच्ची आवाज नाल जवाब दो। इस्तकलाल दा साक्रमेंट लैण लई इन्ना ठंडे दिल नाल आया, पूरा जोश नाल जवाब देण लई कोशिश करो। कि तुसी स्वर्ग अते धरती दे सृजनहार पूरी कुदरत वाले खुदा बाप उते ईमान रखदे हो, कि तुसी यीशु मसीह उते जो खुदा दा इकलौता पुत्र है अते सारा सारा प्रभु है, जो कुवारी मरियम तो जमिया सलीब उठे चढ़ाया गया मर गया दफनाया गया तीसरे दिन मुर्दिया विचो जी उठया आसमान ते चढ़ गया अति खुदा बाप ते सजे हत विराजमान हाय ईमान रखते हो। कि तुसी प्रभु अति जीवनदाता रूह पाकते जो पेंतेकोस्त दिन रसूला ते उतरिया अते सानू एक एक इस्तकलाल दे सक्रमेंट राही विशेष रूप विच मिलदा है ईमान रखते हो। कि तुसी एक पाक कैथोलिक कैथोलिक कलिसिया संता दी सांझ पापा दी माफी शरीर दे जी फिर जी उतन अते सदा दे जीवन उते ईमान रखते हो। हे सारा ईमान है, हे एकलिसिया दा ईमान है अति इसनू मनन प्रभु यीशु मसीह दे मसीह विच
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਈ ਆਮੇਨ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਬੁਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੋਪਾਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗਣਿਤ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿਵਾ ਹੈ। ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਤੇ ਮਦਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦੇ। ਹੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ, ਦਨਾਈ, ਸਮਝ, ਸਲਾਹ, ਹੌਸਲਾ, ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਪਾਕ ਰੂਪ ਦਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਨਾਦ ਭਰਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ,
ऐ प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ अपने सारे ही इन्हां भैन भरावां दे लई जिन्होंने अज इस्तकलाल का सैक्रामेंट ग्रहण किया है। ऐ खुदावंद इन्हां सारिआं नूं हमेशा अपने रूह पाक दे नाल भरपूर रख अते प्रभु जी इन्हां नूं प्यार खुशी अते शांति दे नाल भरपूर कर तां जो तेरे प्यार दे विच सरगर्म रहन अते हमेशा अपने ईमान दे विच मजबूत रहिंदे होए अपनी जिंदगी नूं तेरे नां दे विच गुजार सकन। अनुवचन ऐ प्रभु साडी दुआ सुन हे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर अज असीं खास इस पैरिश दे परिवारां लई प्रार्थना करदे हां हर एक परिवार के एक एक मेंबर नूं छू के अपने पवित्र बरकतां नाल भरपूर करो। हे सर्वशक्तिमान तेरे दसे हुए वचन ते चलदे होए ये अपना जीवन बतीत करन। अनुवचन ऐ प्रभु साडी दुआ सुन ऐ प्रभु यीशु असी प्रार्थना करदे हां अपनी इस पैरिश दे लई खास करके पैरिश प्रीस्ट दे लई और सारे बाहरों आए हुए फादर साहबाना दे लई सिस्टर साहबाना दे लई और बिशप साहब जी दे लई उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती दा वरदान बख्शो और पवित्र आत्मा दी समर्थ दे नाल भरपूर करो तां कि जगह जगह कर कर जाके तुहाडे नाम दी गवाही दे सकन और बहुत सारियां रूहां नूं नरक जान तो बचा सकन। अनुवचन हे प्रभु साडी दुआ सुन थोड़ी कुदरत वाले खुदा साडे बाप तू अपने रसूलां ते रूह पाक नूं भेजिया अते उन्हां दे उत्तराधिकारियां राही उस रूह पाक नूं अपने लोकां नूं दित्ता है। पेंतेकोस्त दे समय रूह पाक ने पाक अंजील दे प्रचार लई जो कम सानू सौंपिया है उसकी तरक्की सारे विश्वासियां दे दिला अते जिंदगी विच सदा हुंदी रहे असी आ प्रार्थना करदे हाँ आमेन आमेन। मेरा नजराना कर लो कबूल मेरा नजराना कर लो कबूल मेरा नजराना कर लो कबूल दिल विच मेरे दिल विच मेरे ना रही कोई
प्रार्थना करो कि मेरी अतिवादी यह कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नु कबूल होइए। प्रभु इस कुर्बानी नु तुम्हारे हाथों दे विच अपने नाम दे उत्ते ते वड़े ले नाले साडी ते सारी पाक दिसिया दे पड़े ले कबूल करे। हे प्रभु साडे पुरोहित संत योहान दी ते मौके तो स्थान थाइनु चढ़ावे इना तोफिया नु कबूल कर। यह तेरे नाम दी वड़ियाई करन अते साडे लई माफी अते शांति ले लिया उन साडे प्रभु यीशु मसीह दे राई आमेन। आमेन। प्रभु तुआदे नाल होवे अते तुआडी रूह नाल भी होवे। असी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्यवाद करिए ये सही अते योग है। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा यह सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउंदा राह है कि असी हर वेले अते हर था यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्यवाद करिए। अज ते दिन तू कलिसिया नु संत योहान व्यानी दी
याद विच खुशी दिंदा है। उसके निक अते पवित्र जीवन राही तू सानू प्रेरणा दिंदा है। अते उसके प्रचार राही सानू सिक्किया दिंदा है। उसकी प्रार्थना दे जवाब वजो तू सारी मदद अते रखवाली करदा है। इसलिए असी स्वर्ग दे फरिश्तिया अते संता दा दानिया दे नाल निक रल के तेरी शान दे गीत गाउंदे होए यह ऐलान कर दे। हाँ प्रभु तू सचमुच पवित्र है। अतः यह सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही अतः रूपाक ते कुदरत नाल तू सारे संसार नु जीवन बख्शदा अतः पाक करदा है। तू लगातार अपने लई प्रजा रिकती करदा रहिंदा है। थांजो सूरज चट दे तो लाइके लहिंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाए जावे। इसलिए ए प्रभु असी हलीमी नाल अते 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 तेरे अगे मिनत करते हाँ कि अपनी मेहर नाल वही रूप पाक दे रही
इना नजरानिया नू पवित्र कर जो असी तेरे पाक हजूरी विच लाइके आए हाँ तांजो यह साड़े लई साड़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे जिसने हुक्म नाल असी इना इना पेड़ा नू मनाउन दे हाँ इस रात तो जो जिसका विश्वासघात किया गया उसने उसने रोटी लई अते तेरा धन्यवाद कर दिया रोटी थोड़ी अते अपने चेलिया नू दी थी यह कहिंदे होए तुसी सारे यह लो अति इस पीछो खाओ क्यों जो यह मेरा बदन है जिदा तुआदे लई कुर्बान किया जावेगा। ऐ मेरे प्रभु ऐ मेरे खुदा इसे तरह भोजन करन तो बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दी थी प्याला अपने चेलिया नु दी था यह खाइंदे होए तुसी सारे ये लो तीस पीछो पियो क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अत सदवी नेम दा लहू जो थवादे अत बहुतिया वास्ते गुनाह दी माफी लई वहाया जावेगा मेरी याद विच ये करिया करो। ऐ मेरे प्रभु ऐ मेरे खुदा ईमान दा फेर हे प्रभु मुक्ति दाती असीस कुर्बानी देना तेरी मौत ते फिर जी लई है प्रभु असी तेरे तेरे बैठे दे मुक्तकारी दुख भोग उसकी जलाली जीवथन अते स्वर्ग दा विच छट कर जान दी यादगारी मनाऊं दे हाँ अते उसते दूजी वारी आउन उदिकते रहे तेरा धन्यवाद कर दिया वह जीवन दी अते पवित्र कुर्बानी त्वाइनू चढ़ाउन दे हाँ असी बेनती करते हाँ कि तू अपनी कलिसिया दे चढ़ावे उत्ते नजर कर अते यह कुर्बान होए लेले नू पहचान उसकी कुर्बानी थो राजी होके तू सारा अपने नाल मेल कर दिया है बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उसके रूपाक नाल भरपूर होके मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए। ओ सानू तेरे लिए एक सदीवी नजराना बनावे ताजो असी तेरी चुने हुए नाल खास करके तनकुवारी मरियम खुदा दी माँ देव नाल उसे कुवार दी मुबारक संत यूसुफ दे नाल तेरा तन रसुल्ला अते तेजस्वी शहीदी नाल संत जॉन मरिया वियानी अते सारे संतां नाल उन्ना दे वेरस दे वारस बन जाइए इन्ना वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार किते जान वाली सिफारस दी जकनी मदद उत्ते असी भरोसा रखदे हाँ। ऐ प्रभु असी ये बिनती करते हाँ कि साढ़े मुड़ मिलाप दी एक कुर्बानी सब दुनिया की शांति अते मुक्ति लई असरदायक हुई तो कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्रिक कलीसिया नूं
अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस नू, साढ़े बिशप फ्रैंको बिशप एग्नेलो नू, कुल दुनिया दे बिशप परोहितां ते सब लोगों नू जिन्हां नू तू अपना बना लिया है ईमान ते प्यार विच मौजूद बनाउन दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नू काबुल कर जिसनू तू अपने सामने सदन दी मेहर कीती है। आए दयालु बाप, संसार भर विच खिलरे हुए अपने सारे बच्चों नू अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साढ़े मोए हुए भैन भरावां दे उन्हां सारियां नू जिहड़े तैनू कुछ कर दिया इस संसार विचों चलाना कर गए हन, मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर। उते असी तेरे वड्डी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहण दी उम्मीद रखते हाँ। साढ़े प्रभु मसीह दे राही जिस राही तू दुनिया नू हर चंगी दात बख्शदा है। उसके राही उसके नाल उसके बीच एक खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूह पाक दे एकता विच सब जलाल वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीकर। आमीन। साढ़े मुक्तिदाते दे हुक्म दे मुताबिक उसकी खुदाई सिक्ख्या दे अनुसार असी अखंड दी दलेरी करते हाँ। Oh,
हे प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ सब बुराइया तो सानो बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति शांति दे तां जो असी तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए जिवे मुबारक उम्मीद रखते हुए असी यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दे आउंदी उदिक करते हां तेरा ही राज कुदरत परताप भी है तेरा सदा तो है तेरो नबी सदा की करेगा हे प्रभु असी प्रार्थना करते हां गुना सब गुनाया तो सानू बचा हे प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूलानु आख्या मैं तुहानु शांति दिंदा हाँ अपनी शांति मैं तुहानु प्रदान करदा हाँ तू साडे गुनाह नु नहीं सगो अपनी बुर कलिसिया दे ईमान नु वेक अते उसनु अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते कता प्रदान कर तू जो जीवंदा अते राज करदा है सदा तो सदा ती कर आमीन प्रभु दी शांति सदा तुआ दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे इस आप विच शांति दा सलाम देइए एलीले खुदा दी तू दुनिया दी गुनाह चुक ले ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੁਖਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲੈ ਆਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਐ ਸੰਤੀ ਉਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਖਾਸ ਪਾਕ ਸ਼ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਕਲਾਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਕ ਸ਼ਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਫ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਮਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ 'ਚ ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ Thank you.
जीवन का पानी है, तू मेरी जीवन की रोटी है, तू मेरी जीवन का पानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी वही माँ गाता रहो, तू मेरी जीवन की रोटी है, तू मेरी जीवन का पानी है, तू मेरी जीवन की रोटी है, तू मेरी जीवन का पानी। Thank you.
असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु सदी भी जीवन दे विच उन बोझ के बोझ दे राही साढ़े ईमान नू मजबूत कर। संत युहाना यानी दे नमूने उते चल के असी इस सच्चाई दा ऐलान लायन करिए जिसने उसकी महिमा अथे नेक कमाव नाल उसकी सिखाया दी गवाही देइए साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। अपने सिर झुकाओ ते खुदा दी आशीष लई दुआ करो। पूरी कुदरत वाले खुदा अते साढ़े बाप ने रूपक ने ते पानी नाल तुहानू अपनी संतान बनाया है। वो तुहाडी रक्षा करे अते तुहानू बरकत देवे आमीन। खुदा दे पुत्र यीशु मसीह ने वायदा किया है सच्चाई दा आत्मा हमेशा कलीसिया दे मदद करेगा। ओ तुहानू सच्चे विश्वास विच पक्का बना के उस ईमान नू लोका दे सामने अपनी जिंदगी राही प्रगट करन लई हौसला बख्शे आमीन। रूहपाक रसूला अते उते उतरिया अते उना दे दिलानू प्यार अते बादरी दी अग नाल रोशन कर दिता। ओही रूहपाक तुहानू मजबूत बना के स्वर्ग राज दी खुशी विच पहुँच देवे आमीन। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा अते रूहपाक तुहानू बरकत देवे आमीन। अपने जीवन राही खुदा दी बड़ाई करो। आप शांति नाल जाओ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ कर याद कर ए निहायत मेहरबान कुआरी मरियम पहिए कदी नहीं सुनया गया। कोई भी तेरी पनाह लाभदा तेरी मदद चाहदा तेरी सिफारिश मांगदा तेथो खाली गया होवे। ए कुआरी कुआरी दे अंदर मेरी मां मैं इस तसल्ली नाल तेरे कोल सी आंदी हां। तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ दीदार होए कलाम दी मां मेरी अर्जा नु हकीर ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन ते कबूल कर आमीन। साडे लई दुआ कर संत योसेफ साडे लई दुआ कर संत माइकल साडे लई दुआ कर संत फ्रांसिस साडे लई दुआ कर संत वियानी साडे लई दुआ कर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਸਤਕਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਘਰ ਮੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। उस तो बाद बेनती करांगा इस पैरिश के प्रधान के अगे कि वह अगे आन अते साडे बिशप जी ने एक नोटमाला पा के सन्मानित करन जोरदार तालियां वजाउंदे होए। उस तो बाद असी बेनती करते हाँ मरियम सैना के मैंबरां के अगे कि वह भी अगे आन अते साडे बिशप जी नूं हार पा के सन्मानित करन। मरियम सैना के मैंबर्स अगे आन जोरदार तालियां वजा के सारे प्रदीप के परिवार वालों हार पा के विश्व में सम्मानित कर रहे हैं जोरदार तालियां। ग्रेस के परिवार वालों हार पा के सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियां। सारे जोरदार तालियां वजाते हुए